रैली व चौपाल लगाकर बच्चों ने ग्रामीणों को बताए यातायात के नियम। जिंदगी हमारी है, सोचना भी हमें है, परंतु विडंबना है कि सोचता केवल परिवहन व यातायात विभाग है, जो कि वर्ष भर लोगों को यातायात नियमों के प्रति सजग व सतर्क करवाता है, फिर भी हम जागरूक नहीं होते। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यातायात जागरूकता अभियान का कारवां झांसी स्थित बरुआ सागर के ग्रामीण क्षेत्रों में जा पहुंचा, जहां एक तरफ पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने वृहद स्तर पर रैली निकालकर ग्रामीण जनों को यातायात के नियम नारे लगाते हुए बताए व पंपलेट्स भी वितरित किए। तत्पश्चात बरुआ सागर के तालरमन्ना, मातवाना, घसाईपुरा, गोमल, खिरक, कटरा, सनोरा, खांदी, निगौना, खेरा आदि ग्रामों में जाकर बरुआ सागर थाने में SI अंकित राजावत व SI सुश्री आकांक्षा के मुख्य आदित्य एवं कॉलेज प्रधानाचार्य सुश्री मानसी आर्य की अध्यक्षता तथा ट्रैफिक वार्डन सुश्री प्रगति शर्मा व दीपशिखा शर्मा के संयोजन में चौपाल लगाकर ग्रामवासियों व छात्राओं को यातायात के विषय में विस्तार से बताया। साथ ही यातायात नियम पालन हेतु सभी को शपथ भी दिलाई गई। इससे पूर्व PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा यातायात से संबंधित रंगोली व पोस्टर बनाकर सभी को जागरूक किया गया, जिसके लिए कुमारी प्रगति शर्मा व अतिथियों द्वारा मेडल पहनाकर छात्राओं को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों को संयोजिका प्रगति शर्मा द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया गया। उक्त अवसर पर समाजसेवी संदीप नगरिया, पवन जैन, अनंत राम कुशवाहा, समाजसेवी आकाश, कृष्णा बजरंगी, चंचल विश्वकर्मा, महेंद्र विकास कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा विद्यालय की प्रवक्ता गण बड़ी संख्या में उपस्थित रही। दो पहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यातायात के नियमों का पालन करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। हम कभी नशा करके वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। गति सीमा का ध्यान रखेंगे। ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। गाड़ी चलाना हुआ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल वगैरह के पास धीमी गति रहनी चाहिए, है ना। और ये भी बताओ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी रास्ता दें, ये भी सही रास्ता दें। थोड़ा बताओ इनको, बताओ बच्चों बताओ, आप ही लोगों को करना है ऐसा, थोड़ा बताओ इनको, क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, हमेशा आराम से घबराओ नहीं, घबराओ बेटा, घबराओ मत, ये गाड़ी नहीं चलाती है, इनके घर में जो किसी के भैया होंगे, इनके पापा पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरुआ सागर में हमारी ट्रैफिक वार्डन प्रगति शर्मा मैम के सानिध्य में हमारे विद्यालय में एक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय में सभी छात्राओं ने रैली का आयोजन किया, जिससे हम उन्होंने बरुआ सागर क्षेत्र के नागरिकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी और सभी संबंधित नियमों के बारे में उन्हें बताया। जिस प्रकार से यातायात माह नवम्बर 2024 का संचालन किया जा रहा है, वही सारा संचालन हमारे विद्यालय के समस्त क्षेत्र में किया गया और हमारी छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों और उसके कार्यों के बारे में सभी को जागरूक किया गया। और इसी के साथ हम सभी ने विद्यालय में हमारे मुख्य अतिथिगण, हमारे थाना प्रभारी अंकित राजावत जी और आकांक्षा मैम हमारे बीच में पधारी, जिन्होंने हमारे विद्यालय में हमारे छात्राओं को
अपने बहुमूल्य वचनों से सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान करी। साथ ही हम सभी ने छात्राओं के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक चौपाल आयोजित करी। चौपाल में हम लोगों ने सभी से उनके संबंधित समस्याओं एवं उनके समाधानों के बारे में चर्चा परिचर्चा करी। इसी के लिए हम सभी अतिथिगणों और प्रगति शर्मा मैम और दीपशिखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे विद्यालय में इतने बड़े कार्यक्रम और साथ में ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों को जागरूक किया। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम हमारे फुटेरा ग्रामीण क्षेत्र में फुटेरा तालरमन्ना और खिरकपट्टी इन सभी गांवों में लेकर हम चौपाल लेकर गए। मैं PM3 राजकीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज से हूँ, बरुआ सागर झांसी से। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में प्रगति दीदी आई थी, उन्होंने हमें सड़क सुरक्षा के बारे में बताया था और गांव में रैली भी करवाई गई थी और सभी को चौपाई के बारे में भी बताया गया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।